टैक्सी चालक की गोली मारकर हत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। देर रात का है मामला। सुबह लाश मिलने पर हुई परिजन को जानकारी। कार ड्राइवर की कल रात अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सुबह सब गांव नगला सरोती में मिलने से फैली सनसनी। मृतक पेशे से टैक्सी चालक था और कल रात ही वो घर से निकला था। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका। मृतक के परिजनों द्वारा थाने में तहरीर दी जा रही है। थाना मरसना के गांव नगला सरोती का है मामला। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद। मेरा नाम संतोष कुमार है। सोती के नगरा के लिए रोड गई है कलेक्टरी के पास से। उस रोड पर 1 किलोमीटर आगे, अब ये तो नहीं कह सकता कैसे ले गए, 2 गोलियां मारी हैं। और पुलिस ने हमको बताया करीब 12 बजे तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया। कलेक्ट्री हमको ले गई। कोहरा तेज था इसलिए 2 चक्कर लगाए। उसके बाद में जो भारत गैस एजेंसी के थोड़ी आगे चल के वहाँ पर गाड़ी खड़ी मिली। क्या उम्र थी इनके, क्या नाम था? उम्र लगभग 35 वर्ष, सतपाल सिंह नाम था। सर ये जो घटना हुई है यहाँ पे, इसका क्या मामला है पूरा? देखिए ये रात्रि में 10 बजे के आसपास 112 नंबर पे एक राहगीर के द्वारा सूचना दी गई कि एक 4-व्हीलर बराजो गाड़ी में ड्राइवर सीट पे एक व्यक्ति है जिसके जो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। ये मटसेना थाना लगता है और नगला श्रुति गांव पड़ता है। मौके पे आके जब लोगों ने देखा तो ड्राइवर सीट पे एक व्यक्ति हो जिसको कनपट्टी पे जो है गोली लगी है, गन शॉट इंजरी है। और जो उसके पास हम लोगों को आधार कार्ड मिला उसमें उसका जो नाम है वो सत्यपाल निकल के आया है। अभी इसकी हम लोग संबंधित गाँव से इसकी शिनाख्त करवा रहे हैं। घटना के संबंध में टीमें बना दी गई हैं ताकि घटना के कारणों का और इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जा सके।